अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आया हूँ इंटरलॉक आवर लॉक किस तरह से आप कर सकते हैं हाथ वाली सुई की मदद से। क्या बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कौन सा आपको धागा लेना चाहिए, किस तरह करेंगे पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो पूरी वॉच करेगा ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले हमने ये थ्रेड ले लिया है, ये हमने एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड ले लिया है। अब हमें इसमें यह देखना है कि कौन सा थ्रेड हमारे यूज़ के लिए होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी के दो तरह थ्रेड होते हैं, किस तरह से होते हैं ये आप देख लें। धागे होते हैं इस तरह से, दो तरह के होते हैं, एक बारीक होता है और एक मोटा होता है इस तरह से। तो दोनों में डिफरेंट आपको साफ नज़र आ रहा होगा, एक मोटा है और एक पतला है। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें ये बारीक वाला यूज़ करना है। इस तरह से जो बारीक वाला है इस तरह से हम धागा ले लेंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल धागा भी ले सकते हैं। नॉर्मल धागे को आप चार दफ़ा इस तरह से फोल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन मैं ये धागा ले रही हूँ तो इसलिए बारीक वाला मैं एक धागा ले रही हूँ। इस तरह से मैंने सुई के अंदर इसको डाल लिया है। डालने के बाद अब क्या करेंगे, अब इस तरह से हम इसके ऊपर नॉट लगा लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम किस तरह से लगाएंगे ये ध्यान से आप देख लें। तो इसके ऊपर का साइड जो है ये हम दो सूट लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे से इस तरह से हम सुई को गुजार लेंगे। इस तरह से सुई को गुजारने के बाद अब इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम इस तरह से गैप देंगे। इस तरह से दो सूट का हम गैप देंगे। अब गैप देने के बाद सुई को हम इस तरह से गुजारेंगे, सेंटर से एक धागे के अंदर से हम इस तरह से इसको गुजार लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह इसके ऊपर गैप देंगे, जैसे हमने एक साइड पर दिया था पहले वैसे हम दूसरी साइड के ऊपर गैप देंगे। ये गैप आपने ध्यान से करना है ताकि हमारे एक ही साइड में बनना चाहिए। उसके बाद सेंटर से हम इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से करेंगे, इसको हम गैप देंगे। गैप हमारा सेम होना चाहिए, जैसे हमने पहले ही दिया था वैसे हम इसके ऊपर गैप देंगे। उसके बाद सेंटर से इस तरह से हम हेड को निकालते जाएँ। और अगर सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, आप सिलाई सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बताई हैं किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप सिलाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बनाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। चैनल का विज़िट ज़रूर करिएगा। इस तरह से हम इसके ऊपर करते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके ऊपर इस तरह से करते जा रहे हैं, गैप देते जा रहे हैं, उसके बाद इस तरह से करते जा रहे हैं। अब ये तरीका देख लें किस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। तीन फिंगर हमारे नीचे होने चाहिए, दो फिंगर हमारी ऊपर, उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर करते जा रहे हैं। आसानी से हमारा ये बनता जा रहा है, बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका है। इसी तरह आप अपनी कमीज़ के गले के ऊपर, इसी तरह आप अपनी आस्तीन के ऊपर भी बना सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है, आप इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये देखने बस इस तरह से हमारा बन गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।